हेलो एंड वेलकम, टुडे वी आर हियर एट आइसेलो एंड आई डोंट नो आपने इस कैफ़े के बारे में सुना है या नहीं। हमने तो नहीं सुना था अंटिल एंड अनलेस हमें यहाँ से इनविटेशन आया। सो आइसेलो के बारे में बताएं तो आइसेलो इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल विंटेज टाइप ऑफ कैफ़े। यू विल नॉट रिग्रेट इट अगर आप यहाँ पे आएंगे अपने वीकेंड्स में अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। सो अब आइसेलो के बारे में थोड़ा सा बता दें तो आइसेलो कैफ़े हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट में आपको घुसते ही एक काफ़ी प्यारा सा वाइट सा शेड टाइप का एक सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा जो कि काफ़ी विंटेज है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी एस्थेटिक है एंड आर्टिस्टिक भी है। आइसेलो इफ़ यू लव आर्ट यू विल लव आइसेलो। एंड सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे तो सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के बाद ही आता है, वहाँ पे यू कैन डू कैंपिंग एंड एवरीथिंग। एंड देन हम जब अंदर जाएंगे तो अंदर में भी ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज़ द काउंटर पार्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा विंटेज टाइप का है एंड वहाँ पे काफ़ी प्यारा प्यारा चीज़ रखा हुआ है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जब हम अंदर जाएंगे इसमें आपको थोड़ा एक स्टूडियो वाइब मिलेगा, वहाँ पे एक बैठने का अरेंजमेंट भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रॉ हिसाब से बनाया गया है एंड काफ़ी प्यारा है अकॉर्डिंग टू मी। सो अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको हमने दिखा दिया पूरा एम्बियंस। सो अब हम जाएंगे एंड यहाँ का जो भी इनका स्पेशल डिश है वो ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे इनका चाय भी पियेंगे। इन्होंने बताया जो चाय है जो ओनर है उनका ही लोकल ब्रांड है, उनका ही ब्रांड है जो चाय ये लोग सर्व करेंगे। सो हम वो भी ट्राई करेंगे एंड आई लेट यू नो सर। सो दे हैव सर्व देयर लोकल ब्रांड जो कि चाय का है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वींस कलेक्शन मस्केटल। सो वी विल ट्राई दिस वन एंड प्राइजिंग हम लोग स्क्रीन पे दे देंगे। यू विल गेट थ्री पार्ट, वन इज़ स्मॉल, वन इज़ मीडियम एंड वन इज़ लार्ज। सो दिस इज़ मीडियम वन। सो लेट्स ट्राई इट। काफ़ी प्यारा कप में सर्व किया है। दे हैव सर्व चीनी ऑल्सो बट मैं चीनी नहीं लूँगी, आई जस्ट ट्राई इट लाइक दिस क्योंकि सिर्फ टी का फ्लेवर जानना है मेरे को। इट्स वेरी हर्बल, इसका जो स्मेल है वो काफ़ी हर्बल सा है एंड इट इज़ रिफ्रेशिंग नो डाउट। सो आई गिव 5/4 टू दिस क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, इसका टेस्ट भी थोड़ा हर्बल टाइप का लगा मेरे को। सो इट्स रियली नाइस गुड। ये है क्रिस्पी पोटैटो चिली एंड हम सारा डिश का प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे दे देंगे सो आप वो देखते रहिए। एंड पहले इस डिश के बारे में अगर इसका जो सर्विंग है उसके बारे में बताएं तो इट इज़ रियली नाइस। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा रेडिश है जो इसको माउथ वाटरिंग बनाता है एंड इसके ऊपर जो वाइट सेसमे सीड है रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, इट्स रियली नाइस। सो लेट्स टेस्ट इट एंड टेल यू। सॉसी, अगर आप इवनिंग स्नैक के लिए आते हो तो इट्स रियली नाइस। सॉसी है, खाने के बाद कुछ सेकंड बाद आपको थोड़ा सा तीखापन फील होगा एंड सेसमे सीड का फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उभर के आ रहा है। सो आई रियली लव्ड इट। प्राइसिंग के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से इट इज़ नाइस। सो अब हम वेट करेंगे और भी डिशेस का। हेयर वी हैव द चिकन पकौड़ा एंड इनका चिकन पकौड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा है। जनरली चिकन पकौड़ा में हमें अंदर चिकन मिलता है काफ़ी सारा एंड उसके ऊपर से वो कोटिंग वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे चिकन्स के छोटे छोटे पीसेज हैं सो हम उसको केचप के साथ लगाएंगे एंड वी विल टेस्ट इट। एंड इसको सीजन किया गया है बहुत सारे वेजीज के साथ। सो लेट्स ट्राई इट। इट इज़ क्वाइट क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड देखते देखते यहाँ पे शाम हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट इट यहाँ पे आपको बाहर जो सिटी का जो नॉइज़ है ना वो आपको सुनाई नहीं देगा, काफ़ी ज़्यादा कम। एंड यहाँ पे बर्ड्स का आवाज़ एंड द नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा फील आता है एंड द टेस्टी फूड, यहाँ का जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो चिकन पकौड़ा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा, काफ़ी अच्छा लगा एंड प्राइसिंग वी विल मेंशन इन स्क्रीन। हियर इज़ वन मोर डिश, दिस इज़ कॉल्ड ओमू राइस। इसमें दो पार्ट है, एक मशरूम का है एंड चिकन का है। सो दे हैव सर्व चिकन वाला। सो सबसे पहले इस डिश के बारे में अगर इसको बोला जाए तो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल डिश। नीचे में राइस है एंड ऊपर से एग का लेयरिंग है एंड पुदीना एंड लेमन से गार्निश किया है। जस्ट डिस्ट्रॉय इट टू शो यू गाइस। ये आई डिस्ट्रॉयड दिस, काफ़ी ब्यूटीफुल सा डिश को। एंड अब हम इसको प्लेट पे निकालते हैं एंड वी विल टेस्ट इट। इसमें चीज़ है, आई कैन सी चीज़
एंड चिकन एंड वेजीज एंड एवरी थिंग. सो आई विल जस्ट टेस्ट इट विथ एग चिकन एंड चीज ऑफ कोर्स. ये ओमूरा इज आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले कहीं खाया नहीं है हमने. सो लेट्स सी. एग राइस का जैसा खुशबू आता है ठीक वैसा ही है, लेकिन इसका जो चीज़ है इसमें, वो चीज़ ने इसको एक स्पेशल सा डिश बना दिया. एंड ऑफ कोर्स इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड इसका प्राइसिंग हम स्क्रीन पे दे देंगे. सो आई लव देयर फूड. फूड का क्वालिटी इज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा, प्राइसिंग भी अच्छा है जगह के हिसाब से. एंड द बेस्ट पार्ट, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको सिर्फ नेचर वाली फ़ील आएगी एंड अच्छा खाना का भी फील आएगा. सो यस, अब हम बताते हैं आपको लोकेशन. सो लोकेशन है अगम सिंह रोड, लेन नंबर 6. सो आप यहाँ पे आ सकते हैं. हम लोकेशन जो गूगल मैप का लोकेशन वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सो दैट यू कैन easily visit here. And yes, overall, if I'll give the review, overall this cafe is a 5/5. very nice ambience and everything. And yes, agar aap yahan pe aate ho and pictures lete ho, then please tag us in Instagram, in Facebook, or anywhere if you visit, then please tag us. We would love to see how you enjoyed here. And hum aise hi aate hain, rahenge alag alag naye video ke sath. Tab tak ke liye dekhte rahiye Taste of Siliguri. And if you are watching this video in YouTube, then please subscribe to our channel, like this video. And if you are watching this video in Facebook, then please follow our page and share this video. Thank you.